नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। राजनीति का रंगमंच फिर से तैयार है और इस बार सारा खेल भाजपा के दिग्गज चेहरे जेपी नड्डा के इर्द गिर्द घूम रहा है। राजस्थान की राजनीति में हलचल मचाने वाले जेपी नड्डा 5 अक्टूबर को राजधानी जयपुर पहुंचने वाले हैं। प्रदेश में सत्ता और संगठन की समीक्षा करने के लिए एक खास मिशन पर आ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। लेकिन जो सुस्त सदस्यता अभियान और उपचुनाव की उलझी हुई गणित है, उसे सुलझाने के लिए जेपी नड्डा की ये यात्रा कितनी कामयाब होगी, ये देखने वाली बात होगी। पांच अक्टूबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने एक दिवसीय दौरे पर राजधानी जयपुर पहुंचेंगे। ये दौरा सिर्फ एक सामान्य से यात्रा नहीं, बल्कि पार्टी की नब्ज टटोलने और संगठन को नई धार देने का मकसद रखता है। नड्डा सबसे पहले शाम 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक चार्टेड अकाउंटेंट्स के 500 सदस्यों को भाजपा की सदस्यता दिलाएंगे। इसके बाद सांसदों और विधायकों के साथ अन्य प्रमुख नेताओं के साथ चर्चा करेंगे, जिनमें सदस्यता अभियान की धीमी रफ्तार की समीक्षा भी होगी। सूत्र बताते हैं कि सितंबर से शुरू हुआ सदस्यता अभियान वो रफ्तार नहीं पकड़ सका जिसकी उम्मीद की जा रही थी। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने पहले ही अपनी नाराजगी जाहिर की थी और अब जेपी नड्डा स्वयं मैदान में उतरकर इस सुस्ती का हिसाब लेंगे। हर जिले, हर विधानसभा स्तर तक समीक्षा होगी और जहां धीमी गति है वहां स्पष्ट संदेश दिया जाएगा कि काम में तेजी लाए, वरना पार्टी नेतृत्व की नजरें टेढ़ी हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ सदस्यता अभियान तक सीमित नहीं होगा, 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए रणनीति भी इसी दौरे को अहम हिस्सा देगी, जिनमें सिर्फ एक सीट पर बीजेपी का कब्जा है जबकि कांग्रेस और अन्य दलों के पास अपनी सीटें हैं। सवाल है कि बीजेपी का कमल इन तमाम सीटों पर कैसे खिलेगा। नड्डा अपने रणनीति के मंत्र इन बैठक में देंगे, लेकिन ये काफी होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। देवली, उनियारा, दौसा, खीमसर, झुंझुनू और 84 जैसी सीटों पर किस तरह से खेल होगा, ये देखना राजस्थान में बिल्कुल दिलचस्प होगा। सत्ता और संगठन में वो तालमेल, वो मसाला है जो शायद ही दौरे की सबसे बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ होने वाली बैठक में इस बात की भी चर्चा होगी कि आखिर संगठन के लोग कामकाज को सरकार से प्राथमिकता क्यों नहीं दे रहे हैं। सत्ता और संगठन के बीच खिंचाव की खबरें पहले भी आ रही थी और अब नड्डा ये सुनिश्चित करेंगे कि ये खींचतान कैसे खत्म हो। सवाल तालमेल का नहीं बल्कि उस रणनीति का भी है जो आने वाले उपचुनाव में पार्टी के जीत का रास्ता साफ करेगी। तो क्या जेपी नड्डा का ये दौरा राजस्थान की राजनीति में भाजपा को नई ताकत देगा या फिर से एक राजनीतिक कवायद बनकर रह जाएगा? सत्ता और संगठन की लड़ाई, उपचुनाव की तैयारियां और सुस्त सदस्यता अभियान, इन सब के बीच नड्डा का ये दौरा कितना असरदार होता है, ये देखने वाली बात हो गई और जल्द ही इसका जवाब भी राजस्थान के अंदर सियासी गलियारों में मिल जाएगा। तब तक के लिए अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहें द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।